हाईवे में जो टोल ब्रिज है उसमें अब जज और वीआईपी के लिए एक अलग से लेन बनाया जाएगा, और इसकी अगर इसे नहीं माना गया तो न्यायालय के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। अब आपको बताना है कि क्या ये आदेश सही है या गलत है, ये कोई न्यायालय का मानना नहीं है, हमने प्रश्न आपसे पूछा है। तो चलिए, मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा है कि वीआईपी और सिटिंग जज के लिए टोल पर एक अलग से लेन होना ही चाहिए। चेन्नई में मद्रास हाईकोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सभी टोल प्लाजा पर वीआईपी के लिए और सिटिंग जज के लिए एक अलग से एक्सक्लूसिव लेन बनाने को कहा है, यानी कि उसमें कहा गया है कि जितने भी जज हैं उन्हें बेवजह वहां 15 मिनट से लेकर आधा घंटे तक बैठना पड़ता है और उनको शर्मिंदगी होती है। इसी प्रकार से भारत के जितने भी इस समय में टोल ब्रिज हैं, सारे टोल ब्रिज में एक अलग से लेन बनाना चाहिए, और इस लेन में सिर्फ वहां पर जो वीआईपी होते हैं, जो उस क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, और जो सिटिंग जज होंगे और पूर्व जज होंगे, सिर्फ वही आना जाना कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर न्यायालय के अवमानना का केस चलेगा। हम आपको बता दें कि न्यायालय का अवमानना का मतलब होता है, यह अनुच्छेद 129 में दिया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट को जजमेंट देती है तो जो न्यायालय को बेहतर लगता है अगर उसे पालन करने से वह इनकार कर दे तो इसे न्यायालय का अवमानना ही समझा जाएगा और उसके खिलाफ केस चलेगा। सिटिंग जज ने मद्रास हाईकोर्ट में यह भी कहा कि सरकार और टोल प्लाजा पर जो अधिकारी हैं उस क्षेत्र के कलेक्टर की ये जिम्मेवारी दे दे कि वहां पर अलग से लेन बनाया गया है कि नहीं, और अगर अलग से लेन जो बनाया गया है उसमें कोई दूसरे लोग भी आना जाना करते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की सिफारिश कर दी गई है। मद्रास हाईकोर्ट को ने जो फैसला दिया है उसे पूरे भारत के सभी टोल प्लाजा में भेज दिया गया है, और साथ में उम्मीद की जा रही है कि वो सभी टोल प्लाजा में ये फैसला अविलंब शुरू हो जाएगा, यानी कि अब वहां पर सिटिंग जज और जो अधिकारी है, जो वीआईपी है, उनके लिए अलग से सुविधा दी जाएगी। ऐसे भी टोल प्लाजा को लेकर समय समय पर विवाद होता रहता है कि सरकार द्वारा डबल टैक्सेशन सिस्टम क्यों किया जा रहा है, यानी कि एक बार रोड का टैक्स दिया जाता है लोगों के द्वारा और फिर टोल ब्रिज में फिर से एक बार टैक्स दिया जाता है, यानी कि दो बार टैक्स देने की प्रथा है। आप देखते होंगे कि अलग अलग राज्यों में टोल प्लाजा में एक राजनीतिक पार्टी की या किसी व्यक्ति की झड़प हो जाया करती है, और अब टोल प्लाजा के जो अधिकारी है उनका कहना है कि वो जो पैसा लगा है उसे वो वापस लेने के लिए सारा कुछ करते हैं। हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा, जो सबसे रिसेंट जजमेंट होगा या खबर होगी हम आपको बताएंगे और अपनी व्यू भी आपको बताएंगे, विश्लेषण सटीक होगा। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।